बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब। दुआ है कि रब ताला तुहानू सब नू खैर खरीयत ना रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान च रखे और तुहाडियां तमाम जायज़ ख्वाहिशां पूरियां फरमाए। अज असी तुहानू सिखावांगे देसी मुर्गी का सूप बनाना, वह बदाम ऐड करके ना, अस्पेशली इन्हें बदमों का सूप ही किया जा सकता है, लेकिन असी नाल देसी मुर्गी ऐड करांगे। अगर ब्रायलर भी हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन देसी जी ज़्यादा बेस्ट है। बिल्कुल डिफरेंट तरीके दे नाल, बिल्कुल ईजी तरीके दे नाल, कि जिहड़े बच्चे बदाम वगैरह नहीं खाते उहदे च वी इस खुराक दे विच उहनां नूं वी खाना जाना ईजी हो जाएगा। तकरीबन एक पाओ जिहड़ा ना देसी मुर्गी का हड्डी वाला गोश्त, इहदा असीं यखनी बनावांगे और कोई 15 तों 20 ग्रियां बदामां दीआं ने इहदे च ऐड होणगियां और इहदे च मैदा जाएगा। यह ख्याल रखना है कि कॉर्नफ्लावर नहीं इहदे च ऐड करना, मैदा ही करना है, क्योंकि ना इहदी हल्की जिही असीं बनाई करनी है। तो बाद असी नमक ऐड करांगे और जिहड़ा है चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका ये ऐड करांगे जिन्ना जरूरत होएगा, और एक अद्धी असी हरी मिर्च नाल ऐड कर देंगे। नाल ना रहना, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनेगी। एक लंबे गैप तो बाद आज दोबारा हाजिर हुए हैं रेसिपी लैके, क्योंकि कुछ मामला सी तबीयत दे नहीं बन पाया। तो नाल ना रहना, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनेगी इंशाल्लाह। ऐसी स्टील के फ्राई पैन दे विच जिहड़ा ना गोश्त ऐड करांगे, क्योंकि दूसरा भी किया जा सकता है, लेकिन दूसरे दे विच काले निशान पै जांदे ने। अगर यखनी बनानी होवे या कोई भी सूप ऐसा वैसा, तो उहदे वास्ते जिहड़ा ना जे इस पानी पा के तुसीं उबाल देना। अगर स्टील दा होवे तो, या फिर कोई ऐसा रफ होवे कि जिहदा पता है कि बाद चो इस्तेमाल खास नहीं कोई होना, क्योंकि उहदी फिर खूबसूरती मुतासर हुंदी, या फिर बहुत ज़्यादा ना सख्ती दे नाल उहनूं मांजना पैंदा तां उहदी शक्ल निकलदी है। तो असीं इह स्टील दे च पावांगे तां कि जिहड़ा ना इहदे नाल खराबी नहीं होएगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक चम्मच इहदे च असीं नमक ऐड करांगे और इहनूं असीं ढक के रख देंगे तकरीबन अद्धा घंटा पकण वास्ते। देसी मुर्गी वैसे तो टाइम लैंदी है, लेकिन बिल्कुल कम उम्र है सी चूचा इस वास्ते जिहड़ा ना मतलब चूज़ा, क्योंकि जिहड़े उर्दू बोलने वाले उन्होंने चूचे की नहीं समझ आनी, तो इस वास्ते कम उम्र सी। तो इस वास्ते असी जिहड़ा ना इहनूं सिर्फ अद्धा घंटा ही रखांगे, तो जिन्नी देर तक वो रेडी होएगा असी दूसरे चुल्हे ते ना अपना मैदे की तैयारी कर लवांगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इहदे च ना 2 चम्मच जिहड़ा ना तेल ऐड करांगे, ज़्यादा नहीं कराएंगे, क्योंकि सूप दे विच नॉर्मली जिहड़ा ना कुकिंग ऑयल वगैरह ऐड नहीं किया जाता, लेकिन असी मैदे की हल्की जी बनाई करनी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिन्नी देर तक उधर साड़ी यखनी रेडी होएगी असी अपनी मैदे की बुनाई कर लवेंगे। बिल्कुल स्लो आग ते करना है, क्योंकि अजकल गैस का इशू बने हुआ है, इस वास्ते जिहड़ा ना हुण कला कला चीज़ दिखाण के बजाय इकट्ठा ही शुरू करना पैंदा है तैयार करना। तो जिन्नी देर तक उधर रेडी होएगा असी जिहड़ा ना यखनी असी इहदी बुनाई कर लवेंगे। लो जी, साढ़े मैदे की बुनाई हो गई ज़बरदस्त। देखिए इहदा कलर हुण हल्का हल्का चेंज हो गया, तो हुण असी इहदी फ्लेम बंद करांगे और इहदी जिहड़ा है ना यखनी पूरी रेडी होण तक असी बदाम जिहड़े ना उहनां नूं ग्राइंडर जार दे विच पा के पीस लवेंगे। हुण बदाम जिहड़े ना साढ़े अच्छे तरीके दे नाल ग्राइंड हो गए, हुण इहदे च ऐड हो गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बदामों को अच्छे तरीके ग्राइंड करना है ताकि जो ना पीन वक्त जो ना उसमें कोई गुठलियाँ या उसकी कोई जो है साबत टुकड़ा ना आए, वरना बच्चे नहीं खाएंगे फिर भी। हम असी बदाम पीस के ऐड किए ना, वो बिल्कुल गल गए ने, सही जो ना पक गए हैं, तो हम असी ये यखनी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और हल्की अग तो इन्हें पकड़ देंगे, तो उन्नी देर तक असी बोटियां जी ना उन्होंने पीस जो छोटे छोटे कर लवेंगे। लो जी, साडा बदाम दा सूप ज़बरदस्त रेडी हो गया। असी थिकनेस इन्नी क रखी है, अगर तुसी ज़्यादा करना चाहो तो कर सकते हो। असी बदाम जिहड़ा ना अंडे नहीं ऐड किए, क्योंकि बदाम दा एक अपना टेस्ट है, फिर वो ना मिक्सचर जिहा बन जांदा, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, कोई मसला नहीं है। तो हुण असी डिश आउट करके इहदी तुहानू फाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ज़बरदस्त, ताकतवर और इंतहाई टेस्टी सूप। देखिए शक्ल कितनी प्यारी है। अजय मज़ीद असी इनू चिकन दे जड़े हैं पीस छोटे छोटे करके रखे हुए उन्होंने नाल, और हरिया मिर्चा बारीक कट के सिरके दे डिप करके रखी है, उन्होंने जो असी गार्निश करांगे तो इनकी शक्ल मज़ीद खूबसूरत हो जाएगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हल्की हल्की काली मिर्च इहदे च ऐड हो गई और हुण इहदे च चिकन दे पीस चले गए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ जी, फैला के और थोड़े जिन्हें पीस असी रखांगे जिहड़े बाद इस ना प्यालियां दे विच ऐड करांगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
थोड़ा आज ना इधर सोया सॉस चला गया, बहुत ज़्यादा मिकदार नहीं करांगे कि फिर जो है ना तलख हो जाता है, तलख नहीं करना असी क्योंकि साडा बच्चियां वाला घर है। थोड़ा जिना इधर चिली सॉस चला गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी असी कम कम रखांगे, बाकी नाल रखांगे, अगर कोई बाद ऐड करना चाहेगा तो कर लेगा। ए हूँ नाल इधर हरी मिर्च ऐड हो गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी सिरके में डिप करके रखी हुई ने, बहुत थोड़ियाँ ऐड करांगे, ज़्यादा नहीं करांगे। लो जी, ए साडे सूप दी, बदामा वाले सूप दी और देसी मुर्गी और बदामा वाले सूप दी फाइनल लुक है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट और शेयर लाजमी करना। बाकी तुहाडे सब वास्ते दुआवां, हंसते वसते रहो, आबाद रहो। अस्सलामु अलैकुम।